हम हेमाटोलॉजी की क्लास में ब्लड के बारे में, एरिथ्रोसाइट कंप्लीट हो चुका है, ल्यूकोसाइट हमारा चल रहा है। आज लिम्फोपोइएसिस से हमको शुरू करना है, एम ऑब्जेक्टिव हम इसके समझ चुके हैं, माइलोपोइएसिस के बारे में समझ गए हैं, अलग अलग ब्लास्ट सेल टाइप, माइक्रोसाइट सेल्स देख लिया है हमने, मेटामाइलोसाइट फेजेस देख लिया, न्यूट्रोफिल का कन्वर्जन देख लिया, वो स्टेजेस देख ली कितने घंटे में कितनी देर तक कौन सा डब्ल्यूबीसी लाइव रहता है, ग्रेन्युलोसाइट्स कैसे रहते हैं और जब डिवाइडेशन होता है तो किस कौन सी स्टेज पे जाके, यानी क्या था मेटामाइलोसाइट वाला जो पार्ट था, न्यूट्रोफिलिक, बेसोफिलिक और इसनोफिलिक वाला, वो भी हमने देख लिया। फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट्स भी देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोपोइएसिस जो था ये हमारा चल रहा था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो लिम्फोब्लास्ट का साइज होता है वो 14 से 18 माइक्रोमीटर रहता है और न्यूक्लियस टू सेल रेशियो जो है वो 1:2 में रहता है। जो मैच्योरिटी आती है पॉलीमर जो लिम्फोमाइलोसाइट की वो आपकी 10 से 12 माइक्रोमीटर का रहता है और एक स्मॉल लिम्फोसाइट होते हैं जो 8 से आपके कितने रहते हैं 10 माइक्रोमीटर के रहते हैं। ठीक है, ये सारे यहीं से पढ़ रहा हूँ मैं, ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। ये देखो यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट देखोगे तो 14 से 18 माइक्रोमीटर का है, न्यूट्रोफिल टू सेल रेशियो 1:2 का पार्ट है। उसके बाद प्रो लिम्फोसाइट्स जो है वो आपके 10 से 12 माइक्रोमीटर के हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट जो है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर के हैं। ठीक है, लार्ज ग्रैन्यूल्स किस तरीके से दिखाई देते हैं ये चार्ट से हम कंटिन्यू कर रहे थे। यही था, ठीक है। तो कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर, यानी याद करो दोबारा से उस वाले पार्ट को जहां पे हमने हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर। ठीक है, तो माइलॉइड वाला पार्ट जो था वो आरबीसी बना रहा था, प्लेटलेट बना रहा था और डब्ल्यूबीसी सेल्स बना रहा था, लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी सेल में आपका पार्ट आ रहा है वो है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर का, तो लिम्फोइड प्रोजेनिटर का, जो कि लिम्फोपोइएसिस आगे फॉर्मेशन करता है। और लिम्फोपोइएसिस क्या है, एक तरीके का आपका लिम्फोसाइटिक सेल के बारे में यह कहा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे है लिम्फोपोइएसिस के बाद आता है प्रो लिम्फो साइट, प्रो लिम्फोसाइट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक आपका नेचुरल किलर्स है और स्मॉल लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट जो है वो फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जिसको लिम्फोपोइएसिस का फेज भी बोला जाता है। लास्ट में क्या है, ये प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और दूसरा है लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, रीड इट फॉर मी, पढ़िए। अराउंड 60-80% ऑफ, अच्छा हाँ ठीक है बोल लो, तब तक मतलब शार्प रीड करो। बोलो 60-80% तक टी सेल और बी सेल हमारे ब्लड में रहते हैं जो कि कैरी करते हैं 10-15% की कैटेगरी। ठीक है, बोलते हैं ना कि भाई 100% में कितने परसेंट वो लाई कर रहे हैं, तो 10 से 15 वो लाई कर रहे हैं, कौन से टी सेल्स और बी सेल्स का जो रेशियो वो 10 से 15 रहता है, लेकिन प्रॉपर अगर लिम्फोसाइट की बात की जाए ब्लड में तो अराउंड 60-80% लगता है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योरेशन, फिर स्टोरेज क्या होता है, तो इसका स्टोरेज भी होता है, क्यों स्टोरेज रहता है भाई, ये क्या है आपके इम्यून सेल्स है, याद करो डीएलसी डिफरेंशियल लिम्फोसाइट जब एक बार पहले पढ़ाया था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी आप बीमार होते तो डिफरेंशियल लिम्फोसाइट यानी कौन से सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल, ये पांचों सेल आपके क्या है, इम्यून सेल्स है, तो ये एक स्टॉक फॉर्मेशन में भी आपकी बॉडी में रहते हैं। ठीक है, मेमोरी की तरह भी रहते हैं कि भाई इनकेस फॉरन पार्टिकल आपकी बॉडी पे अटैक करेगा तो सडन उसके पास एक क्या है, एक सेना है सेल्स की जो उसको अटैक करके उसको डिफेंड, हमारी बॉडी को डिफेंड कर सके, ठीक है, बचा सके उस फॉरेन पार्टिकल से। फॉरेन पार्टिकल क्या है, यहाँ पे पैथोजेनिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है।
किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। हाँ जी कंटिन्यू करें अब आप। ईच ऑफ दिस of certain cells at least antigen which can be detected by immunophenotyping. देखो कैसे होगा, IMUNO immuno PHENO pheno typing typing, तीन पार्ट में डिवाइड है वर्ड, इम्यूनो फीनोटाइपिंग, बोलो फीनोटाइपिंग, गुड। हां अब देखो यहाँ पे क्या है, सेल के सरफेस पे आरबीसी, जब हम लोग गणित पढ़ रहे थे तो याद होगा आपको कि हमारे सेल के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा में उसके सिमिलर एंटीबॉडीज रहती है, क्लियर है। तो यहाँ पे और भी एंटीजन प्रेजेंट रहते, वो तो एक टाइप का एंटीजन था, और भी कई सारे एंटीजन प्रेजेंट रहते, इसीलिए ब्लड बैंकिंग में जब हम ब्लड ग्रुप लगाते हैं किसी छोटे बच्चे का तो सेल वॉश किया जाता है कि सरफेस में से अनवांटेड एंटीजन और एंटीबॉडीज को रिमूव कर दिया जाए, प्योर आरबीसी सेल मिले, क्लियर है। तो वहां पर तो वो कॉन्सेप्ट था, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरे सरफेस एंटीजन भी क्या होते हैं, इसके सेल के सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं, बी सेल वन, बी सेल टू और बी सेल थ्री, अलग अलग एंटीजन सेल के सरफेस पे यहाँ डायग्रामेटिकली दिखाए गए हैं, ठीक है जी। ट्रांसलोकेशन के जो फॉर्म्स हैं वो इस तरीके से है, एक से दूसरे में आया, दूसरे से तीसरे में फॉर्म हो गया, क्लियर है। अब कुछ सेल्स हैं और उसके साथ के एंटीजन हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो सेल दिखा रखा है, चार्ट बना रखा है, ये सेल जो है एक किस एंटीजन पे स्पेसिफिकली वर्क कर रहा है, बी सेल जो है वो किस किस एंटीजन पे वर्क कर रहा है, ये नाम दे रखे हैं। या बोलोगे सर टीडीटी क्या होता है, CD4 क्या होता है, CD19 क्या होता है, CD32, नाम दे रखे हैं एंटीजन्स के, ठीक है। हर एक एंटीजन स्पेसिफिक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। यहाँ पे हमारी जो सेल्स हैं, जो फाइटिंग सेल्स हैं, वो किस किस एंटीजन्स के अगेंस्ट पे काम कर सकती है वो लिस्टेड है, रीड करो। प्रोजेनिटर बी सेल्स किस किस एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, आराम से काम कर सकता है, तो पहला है TDT, दूसरा है CD34, CD19, IgG, मैं इसलिए रुक गया, उनका बोले तो सही क्या बोल रहा है, हाँ री बोलो बोलो, अरेंज, ARRANGE, अरेंज MENT, मेंट, रीअरेंजमेंट, क्या बोला था, हाँ तो सर क्लियर बोलो ना, डर क्यों रहा है, गलत थोड़ी बोलेगा, गलत बोलेगा तो करेक्ट करेंगे, रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट मतलब कि दोबारा से वो कोई सामान, जैसे सपोज हमने कोई सामान लिया, ठीक है, ये एक टेबल है, इस पे कुछ सामान रख दिया हमने, सपोज ये कुछ सामान हमने रख दिया, अब इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज मतलब ये आगे आ जाएगा, ये तो रीअरेंजमेंट इस तरीके से एंटीजेंस का भी होता है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल में क्या हुआ था, कोविड जो है वो म्यूटेट हो रहा था, अपने आप को रीअरेंज कर रहा था अलग अलग कंडीशन में और ग्रो करते जा रहा था, ठीक है, तो वो रीअरेंजमेंट का पार्ट है यहाँ पे। प्री बी सेल्स CIG एंड CD20, इनके साथ ये अच्छे से वर्क कर पाएगा। फिर है इमेच्योर बी सेल SIG, CD19, CD20, TDT, CD34 एंड CD10 आर नॉट एक्सप्रेस्ड। अब इसमें से ये वाले एक्सप्रेस्ड नहीं हो पाएंगे इसके साथ प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है मैच्योर बी सेल्स, जो कि क्या है वो, क्या बोला है, CO एक्सप्रेशन, को एक्सप्रेशन IgD high, अब देखो यहाँ पे IgD हाई रहेगा, ठीक है, ये Ig क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, B for डेल्टा, M for इम्यून,
तो IgD हाई है और IgM क्या है लो है, और IgM क्या होता है मदर टू फिटस जाने वाला पहला एंटीजन एंट्रो होती है आपकी इम्यूनिटी होती है जो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फिटस में ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया? ये जो सर्च करके बताओ सारा काम हम करेंगे तो आप क्या करोगे बता तो लगना चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हो। अगर गलत बताओगे तो मैं बताऊंगा कि हाँ क्या है। हाँ नेक्स्ट, दिस एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन इज यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। अब ये जो ऊपर क्लासिफिकेशन हमने बताई सेल्स की, इससे क्या पता लगता है? ल्यूकेमिया का पता लगेगा और लिम्फोमा का पता लगेगा। ये कंडीशन है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ किसकी? ल्यूकोसाइट्स की। जी हाँ कंटिन्यू करें आप। यहाँ से ये पैराग्राफ जो है आगे टी सेल्स लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड में प्री फॉर्मुलर और कॉर्टिसल एरिया जो है वो टी सेल्स क्या करता है कवर करके रखता है। ठीक है, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोजेनिटर्स व्हिच माइग्रेट ऑफ द थाइमस वेयर दे सेटल इन द जंक्शन द स्टेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द टी सेल आर सिमिलर टू टी सेल्स The antigen expressed in each of the stage and described now. अब देखो हैडिंग ये तो आगे डिस्क्रिप्शन का है। जो टी सेल और बी सेल है जब ये डेवलप होते हैं ना तो ये सिमिलर से डेवलप होते हैं, देखने में बराबर से लगेंगे, लेकिन किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम वो आगे इसमें समझेंगे। रीड करें। द अर्लीस्ट प्रोजेनिटर
8 टाइम तक जाते हैं, टर्शियरी में 11 12 और ग्रेजुएशन हो जाते हैं, ठीक है। ये तीन पार्ट में डिवाइड है जैसे हमारा एजुकेशन, तो ऐसे ही ये आपके सेल का डेवलपमेंट और फंक्शनिंग और मैच्योरेशन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है स्टेम सेल का, ठीक है। स्टेम सेल मतलब वो पार्ट जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, आप उनको जैसी एजुकेशन दोगे वो वैसे मोल्ड होते जाएंगे, लेकिन एक एक छोटे बच्चे को आप डॉक्टर भी बना सकते हो, एक छोटे बच्चे को आप एक्टर भी बना सकते हो, एक छोटे बच्चे को आप म्यूजिशियन भी बना सकते हो, एक छोटे बच्चे को आप कोई गेम प्लेयर भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन, क्लियर है। तो वही पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ क्या किया हुआ है कि हमने अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, तो हम डिवाइडेशन जो है वो समझते हैं एक एक करके। पहले तो स्टेजेस देख लेते हैं आपकी। सबसे पहली स्टेज है आपकी स्टेम सेल की, उसके बाद है आपका कॉमन प्रोजेनिटर सेल्स की। कॉमन प्रोजेनिटर सेल्स यहाँ पे क्या है, प्रोजेनिटर सेल्स का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक एक स्टेज के बाद अपने वन वे पाथवे पे मूव कर रहे हैं। देखो यू टर्न किसी में भी नहीं है, इसमें वन वे ड्राइव है सारी। एक बार जिस डायरेक्शन में घूम गया वो उसी में आगे जाएगा, वापस नहीं घूमेगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक वो स्टेज होती है जहां पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कमांड के अकॉर्डिंगली सेल का बनना और रुकना होता है। मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिम्फोसाइट्स नहीं बढ़ेंगे, उसके सबसे पहले न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे। वो कमांड बॉडी के द्वारा दी जाएगी, बॉडी में किसके द्वारा दी जाएगी, इम्यून के द्वारा दी जाएगी, और ब्रेन मेन कमांडिंग करने लगेगा। नर्वस सिस्टम जो है वो तो मेन कंट्रोल यूनिट हो गई, उसको पता लगा फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया है, वायरल है, न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ा दो, होता है ना। अभी एक देश से दूसरे देश में बहस हो जाए, फौज पहुंचा देते हैं, आर्मी लगा देंगे, एयरफोर्स लगा देंगे, नेवी खड़ी कर देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट खड़ा कर देंगे। तो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इसमें मोनोसाइट और बैसोफिल, ठीक है। बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया शरीर पे, इन्होंने फौज, जिस फौज की रिक्वायरमेंट है उसको मारने के लिए उस फौज को खड़ा कर दिया मैन्युफैक्चरिंग करके, क्लियर है। और कुछ मेमोरीज में भी ये रख लेते हैं। अब किस तरीके से काम करता है, कैसे ये डेवलप करता है, तो एक बार थोड़ा सा इसको समझते हुए चलेंगे। अपने आप स्क्रीन पर थोड़ा जूम कर लेना, अच्छे से जूम हो जाएगा। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, कॉमन मायलोइड और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर, देन फर्दर आगे अब थ्रोम्बोसाइट्स पे आ जाते हैं। अब किस तरीके से है देखो, एक एक करके पूरा समझते हुए जाएंगे। स्क्रीन रीडेबल है यहाँ पे, मेरे ख्याल से अब रीडेबल होगी। सबसे पहले है आपका मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जिसको हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका है वो पार्ट जहां पे मेरा माउस कर्सर अभी मूव कर रहा है, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर पे, जो कि चार मेजर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहला हम आते हैं मेगा क्रायोब्लास्ट, ठीक है। अब ये मेगा क्रायोब्लास्ट क्या करता है जी, तो प्रो मेगा क्रायोसाइट में जाता है, ठीक है। प्रो मेगा क्रायोसाइट से मेगा क्रायोसाइट में जाएगा, मेगा क्रायोसाइट से फिर जाएगा आपके थ्रोम्बोब्लास्टिक सेल्स में, जिसको हम थ्रोम्बोपोइसिस भी कहेंगे, और लास्ट में हमारा बन क्या आएगा, थ्रोम्बोसाइट, क्लियर हो गया, ठीक है। किस तरीके से आपका प्लेटलेट बना, सबसे पहला हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर, फिर तीसरा स्टेज आया आपका मेगा क्रायोब्लास्ट, फिर प्रो मेगा क्रायोसाइट, मेगा क्रायोसाइट, फिर थ्रोम्बोपोइसिस वाला पार्ट आया, ठीक है, और लास्ट में थ्रोम्बोसाइट बन गया, क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा आ जाते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, जो यहाँ पर छिपा हुआ है अभी, ठीक है। फिर कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर, उसके बाद प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। प्रो इरिथ्रो, इरिथ्रो मतलब समझ में आ रहा है, इरिथ्रोसाइट, देखो टर्म याद रखो, अगर मेगा क्रायोसाइट आया इसका मतलब थ्रोम्बोसाइट बनेगा,
मेगाक्रायोब्लास्ट आया, मेगाक्रायोसाइट आया, प्रो मेगाक्रायोसाइट आया, तो इसका मतलब थ्रोम्बोसाइट बनने जा रहा है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट आया, इसका मतलब इरिथ्रोसाइट बनने जा रहा है। क्लियर हो रहा है या नहीं? तो यहां पे क्या है आपका, सबसे पहले आया प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, जिसको हम नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, फिर पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट, जिसको हम रेटिकुलोसाइट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे टर्म याद रख लो, रेटिकुलोसाइट का अदर नेम क्या है हमारा, प्रोक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट फेज वन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। और रेटिकुलोसाइट सेल्स क्या होते हैं, वो आरबीसी जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इरिथ्रोसाइट जो कि हमारा क्या है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, जो कि इरिथ्रोपोइसिस के फॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है, क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा पार्ट जो है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर, और वो सीधा इसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, मास्ट सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मास्ट सेल के बारे में मुझे आप लोग बताओगे क्या होता है मास्ट सेल, हाँ अभी पूछूंगा शाम को इवनिंग लेक्चर में, मास्ट सेल क्या होता है मुझे आप बताओगे, एम ए एस टी मास्ट सेल, पता है ना कि वो टर्म हमें हमेशा पूछनी है जिससे बच्चे भागते हैं। खैर अब आगे आ जाते हैं, उसके बाद है आपका हीमोसाइटोब्लास्ट यानी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर। अब यहाँ पे आ जाता है माइलोब्लास्ट, ध्यान रखना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक आपका मेगाक्रायोब्लास्ट है जो थ्रोम्बोसाइट बना रहा है, फिर आपका प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है जो इरिथ्रोसाइट बना रहा है, फिर है आपका सीधा सीधा एक मास्ट सेल है, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका माइलोब्लास्ट यानी कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर के अंदर, ये चौथा पार्ट है माइलोब्लास्ट, ठीक है। माइलोब्लास्ट जो है फर्दर चार पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, कौन कौन से चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी है बेसोफिलिक, एन है न्यूट्रोफिलिक, ई है स्नोफिलिक, ठीक है, ये टर्म जो है यूज किया गया, बी फॉर बेसोफिलिक, एन फॉर न्यूट्रोफिलिक एंड ई फॉर स्नोफिलिक। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा प्रो माइलोसाइट, माइलोब्लास्ट प्रो माइलोसाइट, बेसोफिलिक बोला इसका मतलब बेसोफिल बन रहा है, न्यूट्रोफिलिक बोला इसका मतलब न्यूट्रोफिल बन रहा है, स्नोफिलिक बोला इसका मतलब स्नोफिल बन रहा है। तो अब पहले बेसोफिलिक पे देखते हैं, यानी बी प्रो माइलोसाइट यानी बेसोफिलिक प्रो माइलोसाइट, फिर बेसोफिलिक माइलोसाइट, बेसोफिलिक मेटा माइलोसाइट, बेसोफिलिक बैंड, और उसके बाद आ जाता है आपका बेसोफिल्स, ठीक है, जो कि आपका क्या है मैच्योर सेल्स है, जिसको हम ग्रैन्यूलोसाइट सेल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं ग्रैन्यूल्स होते हैं। फिर है आपका न्यूट्रोफिलिक प्रो माइलोसाइट, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक मेटा माइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक बैंड, देन लास्ट में न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल में क्या होता है, एक आपकी शेप कैसी नजर आएगी बेसोफिल की, ग्रैन्यूल्स बड़े होते हैं, ध्यान रखना ग्रैन्यूल्स बड़े होते हैं, और बेसोफिल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से आपके ग्रैन्यूल्स भी रहते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो डार्क कलर का दिखाई देगा, ये लिस्मन स्टेन का इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, लिस्मन स्टेन में किस तरीके से लगभग दिखाई देता है, ये वो चीज है। उसके बाद न्यूट्रोफिल का भी हो चुका है, न्यूट्रोफिल में क्या है, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक मेटा सॉरी न्यूट्रोफिलिक प्रो माइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक मेटा माइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक बैंड, बैंड का मतलब होता है जहां पे न्यूक्लियस क्या है अब अपनी शेप ले रहा है, ठीक है, स्टेज है ये बैंड की। उसके बाद न्यूट्रोफिल हो जाता है, लास्ट में आ जाता है आपका स्नोफिलिक प्रो माइलोसाइट, स्नोफिलिक माइलोसाइट, स्नोफिलिक मेटा माइलोसाइट, स्नोफिलिक बैंड, जहां पे स्नोफिल का जो न्यूक्लियस है वो शेप ले रहा होगा, लास्ट में आता है स्नोफिल। यहाँ पे ध्यान दोगे न्यूट्रोफिल में दो से कितने होते हैं, पांच लोग रहते हैं, कई जगह आठ भी देखे जाते हैं, जिसको हम ऑप्टा न्यूट्रोफिल कहते हैं, ये आपका पांच है तो पेंटा न्यूट्रोफिल कहेंगे, ठीक है, तीन है तो टेट्रा न्यूट्रोफिल कहेंगे, यहाँ पे मतलब लोब्स की बात की जा रही है। बेसोफिलिक ये हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, दोनों साइड से इस तरीके से और एक ऊपर ऐसे कनेक्टेड रहता है हेडफोन,
वैसा इसका न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये बीन शेप का यहाँ पे नजर आता है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो है माइलोब्लास्ट का, जिसको हम बोलते हैं मोनोब्लास्ट। फिर वो बनता है प्रो मोनोसाइट और लास्ट में बनता है वो मोनोसाइट, ठीक है, जो कि हमारा मोनोसाइट ऑफ पॉइसिस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मोनोसाइट्स जो है आपके वो कन्वर्ट होते हैं दो पार्ट में से, ठीक है, मैक्रोफेजिस और माइलोडेंड्रिक सेल। मुझे दो सेल के बारे में और बताओगे आप, मैक्रोफेज क्या होते हैं, मैक्रोफेजिस और माइलोडेंड्रिक सेल्स क्या होते हैं ये बताओगे। ये सारे सेल्स हम लोग इवनिंग के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट आरबीसी ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पॉइंट लिख लो, मैक्रोफेजेस वाला पार्ट और माइलोडेंड्रिक सेल के बारे में हम शाम को डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग मुझे बताओगे क्या पढ़ा आपने, फिर मैं आपको और आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए उसके बाद है आपका कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर। ठीक है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट है आपका लिम्फोब्लास्ट, प्रो लिम्फोसाइट अभी पढ़ा था इसका इंडिविजुअली। ठीक है, ये सारे वैसे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, कुछ कुछ और आगे आएगा, कुछ अभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है आपका वो जो पार्ट है दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्मॉल लिम्फोसाइट और उसके बाद एक होता है नेचुरल किलर सेल, जिसको हम लार्ज ग्रैन्यूलर लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। लिम्फोसाइट में नॉर्मली ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, लेकिन नेचुरल किलर सेल जिसको हम लार्ज ग्रैन्यूलर लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उसके अंदर आपको ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे और साइज में तो वो लार्ज होगा लेकिन न्यूक्लियस का साइज उसका स्मॉल होगा। ठीक है, सेल साइज में तो लार्ज होगा लेकिन न्यूक्लियस का साइज स्मॉल होगा, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। वही स्मॉल लिम्फोसाइट में सेल का साइज तो छोटा होगा लेकिन न्यूक्लियस का साइज लार्ज होगा, यानी सेल टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू सेल रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा आपके स्मॉल लिम्फोसाइट में। फिर ये फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट आगे जाता है, जो कि बनता है आपका प्लाज्मा सेल्स, और आपका जो एल लिम्फोसाइट है वो लिम्फोपोइएसिस के फॉर्मेशन में आ जाता है, यानी आपको लिम्फोसाइटिक जो दिखते हैं वो इस तरीके के दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद आपका कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर में डायरेक्ट एक पार्ट आता है जो कि क्या है, लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, ये भी लिख लो, माइलोइड डेंड्रिटिक सेल लिखा था ना, अब लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल भी लिख दो, इसको भी शाम के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे। समझ में आ गया ये पार्ट? आ जाते हैं फंक्शन ऑफ व्हाइट सेल्स। व्हाइट सेल्स क्यों कहते हैं इसको हम लोग, क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं, कलर इंप्रेशन नहीं होता है। जैसे रेड ब्लड सेल आरबीसी इरिथ्रोसाइट में आयरन की वजह से रेडनेस आती है, ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में कोई भी ऐसा कलर इंप्रेशन नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग इसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, व्हाइट सेल्स भी कहते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? न्यूट्रोफिल पढ़िए। न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये आपका वो फेज है जो कि माइक्रोबियल इंफेक्शन को, मैंने बताया ना कि जैसे ही कोई वायरल इंफेक्शन होगा आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, सेल डेवलप होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, मोनोसाइट्स एंड टिश्यू मैक्रोफेजेस। मैक्रो 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 मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, एम ए सी आर ओ मैक्रोफेजेस। हाँ जी, माइक्रो भी बोलो, माइक्रो बिसाइडल, माइक्रो बिसाइडल एक्टिविटी, माइक्रो बिसाइडल एक्टिविटी ऑल्दो ऑल्दो एक्टिव
effective, less effective than that of neutrophils. They are also involved in phagocytosis. Cytosis. Degradation. Degradation. Degradation of सही से बोलो क्या बोल रहे हो necrotic material अच्छा मैक्रोफेजोसाइट और टिश्यू मैक्रोफेज क्या है ये थोड़े से लेस एक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली न्यूट्रोफिल के ठीक है और इसका अगर मैं वर्किंग की बात करूं जो इन्वॉल्व रहते हैं किसमें आपका फैगोसाइटोसिस और डिग्रेडेशन ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल्स के उसमें ये फेज में रहते हैं इन्वॉल्व रहते हैं फॉर्मेशन के फेज में इन्वॉल्व रहते हैं इफेक्टिव है लेस इफेक्टिव है जैसे न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है आपका सेल किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए उससे कम इफेक्टिव है आपका मोनोसाइट और टिश्यू मैक्रोफेजेस हाँ जी इसनोफिल के बारे में पढ़िए अब देखो इसनोफिल क्या होती है पैरासाइटिक और एलर्जिक रिएक्शन होती है अब यहाँ पे ध्यान करो एलर्जिक रिएक्शन हमारी ज्यादातर कहाँ होती है स्किन सरफेस पे ठीक है तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट जिसको हम बोलते हैं चर्म रोग यही बोलते हैं ना हिंदी में चर्म रोग स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट के हिंदी में नाम नहीं आ रही इसको क्या होती है अरे खाली के चक्के बटने क्या कह रहे हैं सर आपकी बड़ी याद नहीं आ रहा तो हमें क्या याद आएगा है तो स्नोफिल का यहाँ पे मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ उसका रीजन है एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट एक टेस्ट होता है ठीक है वो टेस्ट इसलिए किया जाता है वो टेस्ट किया जाता है जब आपकी बॉडी में किसी तरीके का फंगल या एलर्जिक इन्फेक्शन हो रहा हो ठीक है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सराउंडिंग्स में आउटर सर्फेस पे जहां आई है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्वेटिंग की वजह से वहां पे ईचिंग होने लगती है ठीक है रेडनेस हो जाती है तो वो क्या है वो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो स्किन इन्फेक्शन की वजह से होता है उस टाइम पे अगर आप अपना इसनोफिल काउंट करोगे तो आपका बढ़ा हुआ आएगा ठीक है कोई फंगल इन्फेक्शन होता है फीमेल में सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है यूटीआई जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर वो होने लगता है तो क्या होता है फंगल ग्रो होने लगती है आउटर लेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल ठीक है तो उसमें क्या होता है मेडिसिन वगैरह दी जाती है तो वो क्या है वो एलर्जिक रिएक्शन होती है कई सारी जिस उस टाइम पे क्या होता है आपका इसनोफिल बढ़ जाएगा फेस पे जो ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके फेस को देखोगे आप अगर तो बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं केमिकल की वजह से ठीक है या वैसे भी जब आप एक एडोलेसेंट एज में आते हो तो पिंपल्स वगैरह आते हैं कहते हैं ना गर्मी आ रही है क्या है वो आपका एज फैक्टर चेंज हो रहा है एज फैक्टर चेंज होने का मतलब है हार्मोनल चेंज हो रहे हैं बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं वो रिएक्शंस का कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं उसमें से वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स क्या होता है आपके फेस पे पिंपल्स आना कईयों के आते हैं कईयों के नहीं आते जिनके आते हैं उनका ट्रीटमेंट चलता है स्किन स्पेशलिस्ट से ठीक है तो उस केस में भी आप देखोगे तो आपका इसनोफिल काउंट क्या है वो बढ़ा हुआ आएगा कहने का मतलब यहाँ पे है कि इसनोफिल जो है वो स्पेसिफिकली आपका स्किन से मेजरली स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में काम होता है और स्किन क्या है लार्जेस्ट सेंसर ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्किन क्या है लार्जेस्ट सेंसर ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे स्नोफिल जो है वो इसकी कोई भी किसी भी तरीके का अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा इसके ऊपर तो इंडिकेशन क्या होगा स्नोफिल काउंट जो है आपका बढ़ जाएगा और स्पेसिफिक टेस्ट का नाम है एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट जो कि पैरासाइटिक और एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट में बढ़ता है जी हाँ बैसोफिल के बारे में पढ़िए That are released during Meditrus that are released during immunoglobulin हाँ आगे E मतलब क्या होता है E की फुल फॉर्म
इम्यूनोग्लोबिन हमारी इम्यूनिटीज है, पांच टाइप की होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन और म्यू। अब देख लो ये किससे स्टैंड कर रहा है। हाँ, मेडिटेटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अच्छा हाँ, रिस्पॉन्सिबल दोबारा बोलो इसी वर्ड को, ये कहाँ गया, ये अरे तो निकलेगा, ऐसे कैसे नहीं निकलेगा, जाम फंसा हुआ है, माना कावड़ का जाम चल रहा है लेकिन शब्द तो निकलने चाहिए। हाँ, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल बोलने की प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएटेड, एसो सिएटेड सबसे कम पाया जाने वाला सेल, लेकिन ये ऐसा सेल है जो आपके क्रॉनिक डिजीज के टाइम पे बढ़ेगा, सबसे ज्यादा बढ़ने की कंडीशन होती है इसकी। आपका कौन सा क्रॉनिक डिजीज है, सबसे पहला है कैंसर, दूसरा है ट्यूमर, ट्यूमर क्लॉसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैंसरस कंडीशन ही आ जाती है उसमें, और तीसरा क्या है आपका, अगर कोई वायरस से इन्फेक्टेड होगा जैसे एचआईवी एचसीवी इन सब से इन्फेक्टेड होगा तो उस केस में भी देखा गया है बैसोफिल्स जो है वो काउंटिंग में बढ़ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल काउंटिंग में कितना होता है 0 से 2% होते हैं वहां पे। क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ जी कंटिन्यू करें, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट दो पार्ट में है, बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, एक्टिविटी क्या है आपके ह्यूमरल और सेलुलर मैट्रिक्शन इम्यूनिटी में काम आते हैं, यहाँ पे ये क्रॉनिक टाइम पे बढ़ जाएंगे, अगर किसी को ट्यूबर क्लोसिस है उसके लिम्फोसाइट बढ़े हुए नजर आएंगे, अगर किसी को क्रॉनिक इंफ्लामेटरी कंडीशन है बॉडी में, ठीक है, तो उसके लिम्फोसाइट बढ़े हुए नजर आएंगे, ठीक, किसी को क्रॉनिक बाउंड या कुछ इस तरीके का हो गया जो घाव बनता जा रहा है, ठीक है, पस फॉर्मेशन जो है वो और डैमेज कर रहा है और उनको कोई ऑर्गन स्वेल हो गया है किसी वजह से, तो उस केस में सारे लिम्फोसाइट्स जो है आपको बढ़े हुए नजर आएंगे। क्लियर हो गया, क्लियर है, सेल सीन इन पेरिफेरल स्मेयर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप सेल पढ़ लोगे तो उसको देखना आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि न्यूट्रोफिल कैसा दिखेगा, न्यूक्लियस कैसा दिखेगा उसके अंदर, ग्रैन्यूल्स कैसे दिखेंगे, उसका कलर कैसा दिखेगा, ठीक है, एक सेल कितने परसेंटेज में दिखेंगे। अब पेरिफेरल स्मेयर के अंदर कैसा दिखाई देता है सेल, उसको कंटिन्यू करते हैं, 5 मिनट का पहले एक बार गैप ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं सेल सीन इन पेरिफेरल स्मेयर से, 5 मिनट का गैप लिखा हो ही गया होगा, स्टेटमेंट अवे चलो सही है, पढ़िए क्यों? से पढ़ना शुरू करो, क्या लिखा है, पॉली क्या लिखा है आगे, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल, ये लिखा है, पढ़ दो
साइंस तो बचपन से पढ़ते जा रहे हो, बस हमें पता नहीं होता है। रोज साइंस पढ़ते हो आप? रोज नहाता है, बॉडी वेट हो जाती है, साइंस ही तो है। बाइक चलाता है, दो व्हीलर में चलती है, साइंस ही तो है। फिजिक्स लग रही है, रोज साइंस का इस्तेमाल होता है, बस पता ही नहीं रहता कहाँ कहाँ हो गया। चलो शुरू करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कम से कम पहला पैराग्राफ तो पढ़ो। नहीं नहीं, शब्द शुरुआत करें जो बोल्ड में लिखा हुआ है। नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, मैं तो नहीं को पकड़ता जो सुधारने होते हैं। हाँ, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल बी सेल्स हैज कंटिन्यू कंटिन्यू क्या बोलेंगे? कार्सली। पहले मैंने बोला, जब आवाज ही नहीं आ रही तो कैसे बोलूं? आवाज तेज बोलना। हाँ, क्लम्ब न्यूक्लियर फॉर्मेटिक एंड क्रोमैटिन एंड लोब्यूलेटेड लोब्यूलेटेड। पढ़ने का मन नहीं आ रहा? हाँ जी कंटिन्यू करना है, रोक तू। सही है तो पढ़ो। सुनो ध्यान से, देखो इसमें बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओवरव्यू वैसे बता देता हूँ मैं। न्यूट्रोफिल जो है वो आपका 50 से 70% के आसपास रहता है ब्लड सेल्स में, ठीक है, जो आपके 4000 से 11000 की लिमिटेशन है उसकी नॉर्मल रेंज, उसमें 50% से 70% के बीच में न्यूट्रोफिल रहेगा। न्यूट्रोफिल के अंदर क्या होता है, 2 से 5 लोब देखने को मिलते हैं। लोब्स क्या है, उसके न्यूक्लियस को बोला जा रहा है, साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर, ग्रैन्यूल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसनोफिल। हाँ जी, अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस का जो सेल है उसका साइज क्या है, 8 माइक्रोमीटर है, ठीक है, डायमीटर में। अगर हम बात करें इसके लोब्स की तो 2 लोब्स दिखाई देते हैं, न्यूट्रोफिल से ज्यादा बड़े होते हैं। अगर मैं शेप की बात करूँ तो थोड़े हेडफोन सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो हेडफोन सिमिलैरिटी जैसे दिखाई देंगे, लेकिन जब एक्चुअल उसमें देखोगे आप इसमें माइक्रोस्कोप में तो जरूरी नहीं है कि हेडफोन की तरह दिखाई देंगे, 2 लोब दिखाई देंगे, एक वायर जैसा कनेक्टिविटी दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट मान लो 2 लोब्स न्यूट्रोफिल दिखाई दे रहा है और 2 लोब्स आपको इसनोफिल दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ऑन डिपेंडिंग ऑन द कलर एंड द साइज। उसका जो आपके ग्रैन्यूल्स है वो रेडिश ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल में अलग कलर का दिखाई देगा, क्लियर हो गया, ठीक है। बेसोफिल की जो नॉर्मल रेंज रहती है वो आपका 0 से 1% रहता है। किस तरीके का सेल दिखाई देता है आपके लेक्चर में, ये इमेज क्लियर दिखाई दे रही होगी, प्रोजेक्टर में शायद क्लियर नहीं है, स्क्रीन पे यहाँ मुझे क्लियर दिखाई दे रही है, तो आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा। हाँ जी, बेसोफिल के बारे में पढ़िए। बेसोफिल आर 10 to 15 माइक्रोमीटर इन साइज, हैव अ 10
coarse, purplish, black granules which fill cytoplasm and बेसोफिल क्या है? 10 से 15 माइक्रोमीटर का उसका डायमीटर होता है। साइज की बात कर लें, इस तरीके का दिखाई देगा, पर्पलिश ब्लैक ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है, पर्पलिश ब्लैक ग्रैन्यूल्स। और सेल कैसा दिखाएगा बेसोफिल का अंदर से? एक लार्ज साइज का सेल होगा। न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपरली दिख रहा होगा। उसका रीजन क्या है? सेकेंडरी ग्रैन्यूल सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं बेसोफिल में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीन फेज के ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो उसमें सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ओवरलैप कर रहे होते हैं बेसोफिल के फेज में। लिम्फोसाइट्स, मंतशा, मोस्ट लिम्फोसाइट्स इन ब्लड आर स्मॉल अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन साइज, तो लार्जर फॉर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट। द न्यूक्लियस स्टेंस डीप पर्पलिश ब्लू इज राउंड और स्लाइटली इंडेंटेड एंड हैज डेंस क्वांटिटी। न्यूक्लियाई आर नॉट विजिबल, देयर इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म व्हिच इज मोर एबंडेंट इन द लार्ज लिम्फोसाइट देयर इज अ प्रेजेंट इन द लार्ज। लिम्फोसाइट क्या है? आपके दो पार्ट के थे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अगर ध्यान हो आपको, आपके जो स्मॉल सेल्स थे वो टी सेल्स और बी सेल्स वाले पार्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। जो मेजर था, जो हमें टी लिम्फोसाइट शो कर रहा था, उसका साइज क्या है यहाँ पे? 10 माइक्रोमीटर है मैच्योरिटी के बाद, ठीक है। और किस तरीके से दिखाई देगा? इसका न्यूक्लियस जो है लार्ज दिखाई देगा। लार्ज का मतलब यहाँ पे कैसा है? ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक, कोई ग्रैन्यूल्स नहीं। और ये डार्क कलर का आपको पर्पलिश डार्क कलर का दिखाई देगा। नेक्स्ट मोनोसाइट। Delicate chromatin and no neuronal dark side. क्या बोला? No? क्या? Nuclei. Nuclei the cytoplasm is abundant. Pale blue, pale, मतलब light. हम मेडिकल टर्म में लाइट वर्ड यूज नहीं करते हैं। पेल येलो, पेल ब्लू, पेल रेड, इसका मतलब वो रेड शेड है, लाइट कलर आ रहा है उसका, हल्का कलर इसको बोलते हैं। हाँ जी, पेल ग्रे इन कलर एंड हैज अ ब्राउन ग्लास अपीयरेंस ड्यू टू न्यूमरस क्लियर और लाइट लाइलैक वैक्यूल्स, ठीक है। मोनोसाइट कैसा दिखता है? मोनोसाइट अगेन बेसोफिलिक से थोड़ा सिमिलर दिखेगा न्यूक्लियस में, बस फर्क क्या होता है? इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं मोनोसाइट्स के अंदर, ठीक है। बेसोफिल में ग्रैन्यूल्स होते हैं और मोनोसाइट में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। मोनोसाइट हल्का, और अगर मैक्रोफेज ऑफ मोनोसाइट देखोगे तो हल्का आपको लिम्फोसाइट की तरह भी नजर आएगा। कैसा होता है? उसके अंदर एक बैंड होता है। एक्चुअल में मोनोसाइट देखोगे ना, एक लार्ज सेल दिखाई देगा, ठीक है, उसके अंदर इस तरीके से एक ग्रैन्यूल दिखाई देगा, एक ऐसा बैंड दिखाई देगा बीच में कहीं पे, ठीक है। मैक्रोफेज ऑफ लिम्फोसाइट भी कई बार ऐसा ही दिखता है, पर इस बैंड से हम लोग पता लगा पाते हैं कि ये मैक्रोसाइट है, वो मैक्रोफेज ऑफ मोनोसाइट है या लिम्फोसाइट है। क्लियर हो गया? लिम्फोसाइट में इस तरीके का कोई भी बैंड नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये आपके कुछ पिक्चर्स हैं, सेल टाइप किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बेसोफिल कैसा दिखाई देता है 40x पे, 100x पे कैसा दिखाई देगा, स्नोफिल 40 पे कैसा दिखाई दे रहा है, 100 पे किस तरीके से, ये कुछ ब्लर इमेज है, ठीक है, सिमिलर ब्लर इमेज है, ये थोड़ा सा क्लियर इमेज दे रखी है। फिर उसके बाद आपका मोनोसाइट किस तरीके से दिखाई, देखो ये इस बैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये बैंड दिखाई दे रहा है, इस बैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अदर शेप में भी ऐसा सब दिखाई दे देता है। न्यूट्रोफिल किस तरीके से दिखाई देगा यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल रेंज देख लेते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट जो हम कहते हैं। एडल्ट की मैं बात करूं तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC शॉर्ट फॉर्म है इसका, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करें एडल्ट में तो 4000 से 11000 सेल पर क्यूबिक mm होता है। फिर है इन्फेंट एट बर्थ, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो 9000 से लेके 30000 तक पर क्यूबिक mm सेल रहता है। फिर बात करें 6 मंथ से 2 साल के बच्चे का तो 6000 से लेके 17500 के आसपास यहाँ पे नॉर्मल रेंज रहेगी। चिल्ड्रन की बात करें 4 साल से 7 साल के बीच में
तो ये रहेगा 5000 से 15000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम। वही बात करें 8 साल से 12 साल के बच्चे की तो 4500 से 13000 सेल्स जो है पर क्यूबिक एमएम आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मल रेंज में। जी हाँ पढ़िए पैराग्राफ की लाइन। द काउंट आर हायर इन infancy and childhood. Infancy का मतलब होता है just born baby, ठीक है? Then in adult they count growth over the first 7 days of life to about 14 into 109 per liter। अब यहाँ 14000 से 109 की बात कर जा रही है। देखो कहने का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम सबसे ज्यादा उसका डीएससी काउंट होता है। क्यों? एक नया एनवायरनमेंट है भाई, पहले तो मदर के अर्म में है, वहां से बाहर आया, एक बिल्कुल एक्सपोजर एनवायरनमेंट मिला, तो सडनली उसका क्या हुआ, डीएससी बढ़ेगा। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मतलब 7-8 दिन बाद उसका घटना शुरू होगा, फिर एक टाइम आएगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरीके से होता है। और फिर एक एज फैक्टर के हिसाब से उसको हमने एक चार्ट के फॉर्म में ड्राइव किया है कि इतने से इतने के बीच में हम नॉर्मल मान के चलते हैं बच्चे का, ठीक है? हाँ जी कंटिन्यू करें पैराग्राफ को। There is an increase in TLC in pregnancy and following party figure part Perturbation count also tend to be higher in the offspring. Higher in the afternoon. देखो प्रेगनेंसी में भी टीएलसी क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका रीजन क्या है? व्हाट्स द रीजन, बता सकता है कोई क्या रीजन हो सकता है प्रेगनेंसी में टीएलसी बढ़ना? टीएलसी क्या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट सेल जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी तक क्यों बढ़ता है? प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं, LHS, FHS बढ़ जाता है, हार्मोन है, ठीक है, थायराइड बढ़ जाता है, D3, D4, BSH नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि एक नया बॉडी जनरेट हो रहा होता है, ठीक है? तो डिफेंसिव सेल्स भी बढ़ते हैं उसके अगेंस्ट में, क्लियर है? और ये भी देखा गया है कि आफ्टरनून आते आते आपका टीएलसी जो है नॉर्मल मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून में, क्योंकि आप एनवायरनमेंट में मूव कर रहे होते हो तो एक डेवलपमेंट फेज देखी जाती है उसमें, ठीक है? ओके एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट। अब एब्सोल्यूट यहाँ पे मतलब टीएलसी की ही बात की जा रही है। जी हाँ बोलिए। अब देखो एब्सोल्यूट की बात करी जा रही है, यहाँ पे क्या हुआ था, हमने टोटल ल्यूकोसाइट देख लिया, डिफरेंशियल देख लिया, लेकिन डिफरेंशियल में हमने देखा परसेंटेज के बेसिस पे। अब हम देखिए एब्सोल्यूट काउंट पर मल्टीप्लाई बाय 10 पर लीटर, यानी एक लीटर में कितने एब्सोल्यूट एक स्पेसिफिक न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, मोनोसाइट और बैसोफिल कैसी रेंज में रहते हैं, ठीक है? तो 1.8 इंटू 10 कितना होगा, 18 से 77, ठीक है, परसेंटेज में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। तो 18 से 77 पर लीटर के आसपास आपका न्यूट्रोफिल रहेगा। लिम्फोसाइट की बात करें 1.0 से 4.8 है, यूनिट वही है, इंटू 10 पर लीटर, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा इसनोफिल, इसनोफिल है आपका 0.04 से 0.05 या 6 भी कई जगह लिखा रहता है, ठीक है? तो वो हो गया आपका इसनोफिल। काउंटिंग की भी बात की जा रही है यहाँ पे नंबरिंग में कि एक लीटर पर लीटर सेल में कितना टाइम्स आपको दिखाई देगा। उसके बाद है मोनोसाइट की बात करें तो 0.2 से 1.0 और बैसोफिल की बात करें तो 0.01 से 0.1 या 0 से 1 भी बोल देते हैं इसको कई बार, सेल्स जो है वो दिखाई देखने को मिलते हैं। डिफरेंशियल टाइप ऑफ WBC, डिफरेंट टाइप ऑफ WBC अभी हमने देखा किस तरीके का है, ये आपका क्या है न्यूट्रोफिल है, ये आपका क्या है इसनोफिल है, यहाँ आप ग्रैन्यूल्स देख सकते हो, ग्रैन्यूल्स का साइज भी बड़ा है, यहाँ ग्रैन्यूल्स का साइज थोड़ा छोटा है,
फिर ये आपका बेसोफिल्स है, यहाँ बेसोफिल में देखोगे ग्रेन्यूल का साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसलोफिल के कंपैरिजन में बराबर सा लग रहा होगा आपको। फिर यहाँ आप देखोगे लिम्फोसाइट है, दो तरीके के यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको। फिर यहाँ आपके मोनोसाइट है, ठीक है, इसमें कोई भी ग्रेन्यूल यहाँ दोनों में दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, इमेज है, डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करी है। अब कंडीशंस देख लेते हैं, क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स के बारे में। कंटिन्यू करें या कल के लिए छोड़ना, अगर दिमाग में घुस रहा है तो कंटिन्यू करते हैं और नहीं घुस रहा है तो रोक देंगे, ठीक है, गैप ले लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।